नमस्कार दोस्तों, सहजन की श्रृंखला में आज मैं लेकर आ रही हूँ एक और नई रेसिपी सहजन से बनने वाली, जो है सहजन का सांभर यानी कि ड्रमस्टिक सांभर। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सहजन को इतने लंबे आकार में कट कर लिया है। इसका ऊपरी छिलका मैंने उतार लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी और नमक हल्दी डालकर बॉईल होने के लिए रखूंगी। इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे, जब तक कि सहजन सॉफ्ट नहीं हो जाता। जब तक सहजन पक रहा है, मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप तुअर की या अरहर की दाल। इसे धोकर इसमें 2 कप पानी डालकर इसे भी हम बॉईल करेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी। दाल में जब उबाल आने लगता है तो उसमें ऐसा झाग बनने लगता है। इस झाग को हम हटा देंगे। ये झाग अगर हम अपनी दाल में रहने देते हैं तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो हेल्थ के लिए और स्पेशली किडनी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो अगली बार आप नॉर्मली भी दाल बनाने में ये ध्यान रखें और इस झाग को हटा कर ही दाल बनाएं। तो इस तरह मैंने ये दाल का जो ऊपर का झाग है इसे हटा दिया है। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, पूरी तरह से कुक होने के लिए 2 विसल तक पकाऊंगी। अब हम तैयारी करेंगे तड़के की। यहाँ मैं ले रही हूँ कच्चा आम, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो आज मैं खटास के लिए सांभर में कच्चे आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आम को हम तड़के में फ्राई करेंगे। इसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है करी पत्ता, कच्चा आम, 2 हरी मिर्च है जिसे बीच से काट लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 4 लाल मिर्च और छोटे छोटे प्याज मैंने लिए हैं जिसे बड़े बड़े चंक्स में काट लिया था। सहजन को देख लेते हैं। ये बिल्कुल नरम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये सहजन तैयार है। इसका हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाला है। उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच सरसों के दाने, लाल मिर्च, करी पत्ता। इसे कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और हरी मिर्च, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे हींग, 2 से 3 चुटकी आप हींग इसमें डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए प्याज। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच के लगभग नमक, जिससे प्याज थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे कच्चा आम, इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और जब तक तड़का फ्राई होता है हम देख लेते हैं कि दाल रेडी है या नहीं। ये देखिए, दाल का प्रेशर निकल चुका है और दाल भी बहुत अच्छे से गलकर तैयार हो चुकी है। इसे एक बार चम्मच से अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये एक सार सा मिल जाए। अब हम सहजन को भी दाल में मिला देंगे। पानी के साथ ही डालिए ताकि इसका सारा पोषक तत्व तो हमें मिल सके। दाल और ड्रमस्टिक को हम हल्के हाथों से मिला लेंगे। यहाँ हमारा तड़का भी फ्राई होकर तैयार है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सांभर पाउडर, 2 चम्मच सांभर पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। सांभर पाउडर को धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। याद रखिए, इसे धीमी आंच पर ही फ्राई कीजिए वरना सांभर पाउडर जल जाता है। अब ये तड़का बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सांभर में डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। उसी कढ़ाई में थोड़ा पानी डालकर इसे हम सांभर में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे अभी भी इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें फिर से मैं 1 ग्लास के लगभग पानी ऐड कर देती हूँ। ड्रम स्टिक का सांभर एक लाजवाब टेस्ट लेकर आता है। इसे आप इडली, डोसा या प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये सांभर बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल होने के लिए रखा था और ये सांभर अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप हरे धनिए के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका नमक टेस्ट कर लीजिए और अगर नमक आपको कम लगे तो थोड़ा नमक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।